नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एंड डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं प्रेमलता आज आपके लिए कुछ टिप्स जो एग्जाम से रिलेटेड, जो आपकी होने वाले परीक्षा है उससे रिलेटेड यहाँ पर लेके आई हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे इस वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, क्योंकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए कुछ आदेशों को बताना चाहती हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखो स्टूडेंट्स, आज तक की जो क्लासें हमारी चल रही थी वो सिर्फ मोटिवेशनल क्लासें थी, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की क्लासें थी, चिंतनशील अभ्यास की क्लासें थी, लेकिन आज ये क्लास नहीं है। डरिएगा नहीं, क्योंकि ये आपके ही लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए ये वीडियो यहाँ अपलोड किया जा रहा है, जिसमें आपके कुछ जो आदेश यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं उन्हीं का यहाँ नियमन किया गया है, यानी कि उन्हीं को लिखते हुए मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम, जो हमारा टाइम टेबल आया है उसमें 3 घंटे से घटाकर जो घंटे हैं, जो समय अवधि है एग्जाम की, वो 2 घंटे कर दी गई है। यस स्टूडेंट्स, 2 घंटे इसलिए वो समय अवधि कर दी गई कि जो हमारे जो एग्जाम पेपर थे वो कोरोना वायरस जैसी बीमारी आने से पहले ही छप चुके थे। तो हमें उन पेपरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि यूजी और पीजी की जितनी भी फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो 100 अंक की हैं, तो वो 100 की हैं। बीएड की जैसे 80 अंक का पेपर आता है तो 80 अंक का ही आएगा, लेकिन उस पेपर का 60% पेपर ही आपको सॉल्व करना है। कैसे? क्योंकि वो 60% जो 80 नंबर का जो पेपर है उसको 60% अंक आपको 60% जो पेपर है वही सॉल्व करना है। उस पेपर में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए बताई है, जिनको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर कितने नंबर का, पेपर कितने भी नंबर का हो, 100 नंबर का हो, 80 नंबर का हो, पेपर का 60% भाग ही आपको एक्सप्लेन करना है। उसमें कोई बाध्यता आपके लिए नहीं है कि जैसे एक पेपर के अंदर 3 खंड होते हैं, 3 इकाइयां होती हैं, कोई कोई पेपर यूजी पीजी का कोई और पेपर होता है उसमें खंड 2 ही होते हैं, तो खंड कितने भी हो आपको अपनी चॉइस से पेपर सॉल्व करना है, 60% पेपर सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा कि ये जो समय कितना, समय पेपर पे 3 घंटे लिखे आ सकता है, लेकिन समय अवधि आपको 2 घंटे ही मिलेगी। पेपर की समय अवधि को देखते हुए आप कंफ्यूज ना हो, 2 घंटा होते 2 घंटे होते ही आपकी बेल बज जाएगी, यानी कि आपका पेपर फिनिश। तो आप परेशान हो जाएंगे कि पेपर पे 3 घंटे लिखा है और हमें 2 घंटे मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसीलिए ये चीजें, ये आदेश यहाँ से जारी हो रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो आदेश जारी किए हैं कि पेपर पे टाइम कितना भी हो आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। 2 घंटे में आप अपना किस तरीके से अपना स्वयं का टाइम टेबल फिक्स करेंगे कि हमें कौन कौन से जो प्रश्न है वो यहाँ सॉल्व करने हैं। तो प्रश्न जो सॉल्व करने होंगे उनमें कोई बाध्यता नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि प्रत्येक इकाई से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, इस इकाई से आपको 2 प्रश्न करना अनिवार्य है, इस तरीके की कोई बाध्यता यूनिवर्सिटी ने नहीं रखी है। तो स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी बात है आपके लिए, कुछ चीजें हैं जो आपकी बाध्यता को यहाँ खत्म करती है। नेक्स्ट है कि सेक्शन खंडों की संख्या, वो मैं आपको बताई दी हूँ कि सेक्शन खंड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सेक्शन खंड कितने भी हों, लेकिन आपको सिर्फ अपने टाइम के, अपने समय को देखते हुए 60% जो पेपर है वो ही सॉल्व करना है। पेपर करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, 60% हमें करना है, कोई जो है उस पर कोई बाध्य नहीं है कि भाई इस इकाई में से आपको ये प्रश्न करना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको एग्जाम सेंटर पे कोई गाइड करने वाला ना हो, इसीलिए इस वीडियो को मैंने यहाँ पे डाला है, आप इस वीडियो को देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि कंफ्यूजन, देखिए मैं फिर से कहती हूँ कि चिंता बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बुरी चीज होती है, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है और हमें अपने एग्जाम में पास होने के लिए अपने आप को तैयार करना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। पहले बच्चे, कुछ बच्चे सोच के बैठे थे एग्जाम नहीं होगा, हम आपको बार बार कहते हैं कि फाइनल ईयर के एग्जाम होना कंपलसरी हो गया है या कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, तो इससे आप परेशान ना हो। देखिए
ध्यान। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस कोविड-19 महामारी से जूझते जूझते 5 से 6 मंथ बीत चुके हैं, लेकिन इसका कोई पार नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवा आज तक नहीं बनी है। इसकी दवा सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप की सेफ्टी स्विम करना सबसे बड़ी दवा है। तो इस चीज के लिए कुछ चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हैं, उनको आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि बीएड, बीएससी, बीकॉम, बीए कोई भी एग्जाम हो, एक पेपर तो होना नहीं है कि आज हो गया, आज तो बीमार नहीं हुआ, आगे की देखी जाएगी ना, ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है, एग्जाम 6, 7, 8, 9 कितने भी हो सकते हैं, प्रत्येक एग्जाम में आपको उपस्थित होना है। आप एग्जाम में उपस्थित हो, इसके लिए आपको अपनी सुरक्षा भी बहुत जरूरी होगी। उस सुरक्षा से हमें अपने जो डेली रूटीन, जो हमारा डेली का दिनचर्या है, उसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी एग्जाम जब तक आप दे रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या में थोड़े से योग और मेडिटेशन शामिल कर दीजिए। मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की जो मेरी क्लास थी उसके अंदर भी बोला था कि स्वस्थ रहने के लिए सात्विक भोजन आपको करना है, और सात्विक भोजन के अलावा थोड़ा सा योग और मेडिटेशन भी आपको करना है। आप अपने आप को स्वस्थ पाएंगे और हम परीक्षा से आसानी से लड़ पाएंगे। कोविड-19 महामारी से तो हम लड़ी रहे हैं, परीक्षाओं को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, पहला है कि सैनिटाइजर। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं बोलती हूँ कि सभी बच्चे सैनिटाइजर लेके जाएं, तो बच्चे क्या कहेंगे, अरे मैडम इतना बड़ा सेंटर जहां होगा, क्या सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं होगी। कहते हैं ना कुछ बच्चे हैं, अब मैं आपको क्या बोलूं कि कुछ बच्चे हैं वो कुछ सुनने से पहले कुछ आग्रह कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस परीक्षा केंद्र पे सब कुछ अवेलेबल होगा, लेकिन कुछ नियम ऐसे होंगे कि जैसे क्या पता सैनिटाइजर जहां रखा हो वहां भीड़ हो, जनसंख्या ज्यादा इकट्ठी हो रही हो, किसी तरीके की वहां कोई बात हो रही हो, या फिर वहां 5 से 7 लोग पहले से ही हो, आप वहां नहीं जा पाए, आपका एग्जाम का टाइम निकल जाए, या वगैरह वगैरह कोई भी बातें हो सकती हैं। तो अपनी सहूलियत के लिए सैनिटाइजर की बोतल, छोटी सी बोतल अपने साथ आप लेकर जाएं। नेक्स्ट आता है पानी की बोतल। देखिए स्टूडेंट्स, पानी की व्यवस्था आपको प्रत्येक सेंटर पे मिलती है और शायद मिलेगी भी, लेकिन आपको नहीं पता कि वो वायरस किस जगह छुपा हुआ है, किस जगह क्या वहां हो सकता है। तो आप अपनी जो स्वच्छ जल की बोतल, एक ट्रांसपेरेंसी बोतल जो आपके 2 घंटे आपके व्यतीत करवा सकती है, इस तरीके की पानी की बोतल आप अपने परीक्षा हॉल में लेकर के साथ बैठे। नेक्स्ट आता है मास्क। देखिए स्टूडेंट्स, मास्क कोविड-19 इस कोरोना महामारी में मास्क का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन मैंने देखा है कि आजकल कुछ नहीं, मास्क को लगाते हैं और कानों पे लगाया और मुंह के नीचे लटका लिया। ऐसा नहीं करना है, हमको अपनी नाक के और मुंह के नीचे तक के एरिया को कवर करते हुए मास्क को कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगाकर ही रखना है, वहां पे खोलना नहीं है। वैसे तो मास्क को कभी नहीं खोलना है जब आप बाहर जा रहे हैं घर से, लेकिन फिर भी आप इतना कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, कोई और पे अपनी सुरक्षा मत छोड़िए, क्योंकि हम अपने गार्ड जब खुद बनते हैं तो हम सुरक्षित अपने आप को पाते हैं। नेक्स्ट, आईडी कार्ड और मूल प्रति। देखिए स्टूडेंट्स, आप अपना आईडी कार्ड पहन करके जाए, अपनी मूल प्रति जो वो। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जैसे ही प्रवेश पत्र अपलोड होते हैं फोन करना शुरू कर देते हैं अपने अपने कॉलेजों में, लेकिन आप जो आईडी कार्ड, आपको सॉरी आपका जो एडमिशन लेटर जो अपलोड हुआ है उसके जो नियम है उनको आप पढ़ोगे तो शायद सारी चीजें आपको वहां भी मिल जाएंगी, 100% मिल ही जाएंगी। लेकिन उस नीचे के नियमों को कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ क्या देखते हैं आईडी कार्ड के अंदर कि हमारा सेंटर कहाँ है, सेंटर आया है वो तो हमें देखना ही है, लेकिन उस नियमों को पढ़ना है कि क्या क्या चीजें हमें साथ में लेकर जानी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बार बार हमारी सरकार के माध्यम से या कोई भी लोग हमें बार बार ये की बात बोलते हैं कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कि वहां जहां 4-5-7 लोग इकट्ठे हो वहां जाने से आप बचें, आप थोड़ा सा प्रत्येक से आप थोड़ी सी दूरी बना के रखें, क्योंकि हमें एक दिन की एग्जाम नहीं देना है। फिर से कह रही हूँ, हमको एग्जाम पूरे देने हैं। यही हमारे जो प्रिंसिपल सर जो हमारे हैं, जिन्होंने आदेश आपके साथ सामने निकाला है कि इन आदेशों का
किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रत्येक चीज के लिए आप अवेयर हो जाइए, क्यों? क्योंकि हमें जो ये गाइडलाइन मैं यहाँ से दे रही हूँ, इन सभी चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि जो जो चीजें शायद आपको नहीं पता, जिन जिन चीजों से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उन उन चीजों को मैंने यहाँ क्लियर किया है। नेक्स्ट आता है हमें फायदा क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, आज तक कोरोना महामारी में किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा फायदा यहाँ होने वाला है कि आपको जो अपना प्रश्न पत्र है ओनली फॉर 60% ही अटेंड करना है। 60% अटेंड आप जब प्रश्न पत्र करेंगे उसका मूल्यांकन 100% पर होगा, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा फायदा होने वाला है।